चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट की, और यार लगभग ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स। बच्चा लो, अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है एक बार टॉपिक रिवाइज कर लो। देखो, चैप्टर की शुरुआत की थी कॉस्ट की मीनिंग के साथ में, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, देन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट, छोटी छोटी बातें पड़ी थी, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, जिसमें टोटल कॉस्ट पढ़ा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो एवरेज कॉस्ट पढ़ा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पढ़ा, और साथ में मार्जिनल कॉस्ट कर्व पढ़ी, ठीक है। इसके साथ में एक लास्ट टॉपिक पढ़ा था रिलेशन बिटवीन टीसी एंड एमसी एंड रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी। और बच्चा लोग, प्रीवियस कुछ क्लासेस में मैंने जब आपको टीसी इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी पढ़ाया या एसी इक्वल्स टू एएफसी प्लस एवीसी पढ़ाया, वहां पर मैंने आपको काफी सारे फॉर्मूलेस भी नोट करवाए थे, ठीक है। अब अगर यार बातें याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, और बातें याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं न्यूमेरिकल करवाने से पहले आपको पहले फॉर्मूले लिखवाऊंगा, ठीक है। सो एक काम करो, सभी लोग जल्दी से मेरे साथ नोट करोगे, इतना तो याद है ना बच्चा कि जब भी हम लोग टोटल को क्वांटिटी से यानी आउटपुट से डिवाइड करते हैं क्या आता है, एवरेज। तो एक काम करो, फॉर्मूले लिख लो सारे। पहला, जब भी आप टीएफसी को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या निकलेगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट है तो फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल को क्वांटिटी से तो एवरेज। सेकंड, जब भी आप टीवीसी को टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी आउटपुट से डिवाइड करोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तीसरा, जब भी आप टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो एवरेज कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। अच्छा बच्चा लोग, क्या आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई आता है? क्रॉस मल्टीप्लाई बोले तो टी एफ सी इक्वल्स टू ए एफ सी इंटू क्यू, कोई दिक्कत नहीं है यार, टी एफ सी इक्वल्स टू ए एफ सी इंटू क्यू, ऐसे ही यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टी वी सी इक्वल्स टू ए वी सी इंटू क्यू, लिखते चलो। तो टी वी सी इक्वल्स टू ए वी सी इंटू क्यू, यहां पर देख लो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो टी सी इक्वल्स टू ए सी इंटू क्यू। तो ये है कुछ बेसिक से फॉर्मूले, बट अभी रुको बच्चा, एक काम करते हैं, यहां लिख लेते हैं टी सी इक्वल्स टू, क्या पढ़ा बच्चा आप लोगों ने, टी सी इक्वल्स टू टी एफ सी प्लस टी वी सी, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ऐसे ही साथ में हमने पढ़ा ए सी इक्वल्स टू ए एफ सी प्लस ए वी सी, ठीक है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बच्चा लोग, फॉर्मूले सिर्फ इतने ही हैं, फॉर्मूले सिर्फ इतने ही हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल सिंपल तरीके से याद हो गए, बट फिर भी न्यूमेरिकल्स कहीं ना कहीं गलत होते हैं। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखो जो आप न्यूमेरिकल्स करते टाइम याद रखोगे, इन बातों को अगर आपने याद रख लिया बच्चा, न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं हो सकते। सिर्फ तीन पॉइंट लिखवाऊंगा, बस वो लिख लो, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, व्हेन आउटपुट स्टार्ट विद जीरो, ध्यान से लिखो बच्चा, व्हेन आउटपुट स्टार्ट विद जीरो, जब आउटपुट आपका जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्या होगा, चेंज इन टीसी, टीसी में जो भी चेंज होगा ना, चेंज समझते हो, टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है, चेंज इन टीसी इज एमसी। तो जीरो से स्टार्ट होगी, जब भी आपकी आउटपुट, आपको टोटल कॉस्ट में जितना भी चेंज होता रहेगा वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट निकलेगी। कैसे निकलेगी, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। सेकंड चीज नोट करो, सेकंड लिखो, व्हेन आउटपुट स्टार्ट्स विद वन, व्हेन आउटपुट स्टार्ट विद वन, अभी आउटपुट अगर गलती से वन से स्टार्ट हो, ठीक है, जीरो से स्टार्ट ना होके वन से स्टार्ट हो, क्या होगा, तो लिखोगे चेंज इन टीवीसी इज एमसी। बच्चा दोनों पॉइंट में अंतर दिख रहा है, यही आपको देखना है। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहली नजर माननी है आउटपुट पे, अगर आउटपुट जीरो से स्टार्ट है तो टोटल कॉस्ट में चेंज होगा, मार्जिनल कॉस्ट आएगा, अगर आउटपुट वन से स्टार्ट है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज आएगा वो आपका मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज और लिख लो यार, ठीक है, एक चीज और लिख दो, एट दी
जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जीरो के सामने जो भी आपका आउटपुट होगा वो अच्छा एट दी जीरो लेवल ऑफ टीसी लिख दो, है ना, आउटपुट तो है ही, जीरो लेवल के सामने लिख दो टीसी, एट दी जीरो लेवल ऑफ टीसी, तो वो आपका टीसी इक्वल्स टू टीएफसी होगा, ठीक है। और टीएफसी हर जगह कैसा होता है बच्चा, कांस्टेंट। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये बात समझ में नहीं आई, देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे ये आपको आउटपुट दे रखा है, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये आपको साथ में टीसी दे रखी है 10, 15, 20, 22, 30 इस प्रकार से, ठीक है। तो जीरो के सामने जो भी आपका टीसी होगा, जीरो यूनिट के सामने जो भी आपका टीसी होगा वो होगा टीएफसी, क्या होगा वो टीएफसी, और टीएफसी हर जगह क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, क्या वेरिएबल कॉस्ट होगी, नहीं होगी, वो क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट। तो जीरो आउटपुट के सामने जो भी टोटल कॉस्ट होती है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हर जगह कैसी आती है, कांस्टेंट, ठीक है। एक काम करो यार, ये तीन बातें विशेष तौर पे, ये तीन बातें स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो, बट जरूर कर लो, ठीक है। चलो अभी आओ न्यूमेरिकल्स पे। अब देखो यार न्यूमेरिकल मैं गारंटी देता हूं आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये देखो पहला आपकी बुक के ही है यार, हाँ वीके ओरी टीआरजेन, बुक के एकदम लास्ट में जाओगे ना, बुक के लास्ट में तो कुछ अनसॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं, वही है ये सारे यार। चलो देखो जरा, जैसे टीसी दे रखा है, ठीक है, आउटपुट दे रखा है, क्या क्या निकालना है, टीएफसी है, एएफसी है, टीवीसी है, एवीसी है, और मार्जिनल कॉस्ट है, बहुत कुछ है, ठीक है। जो तीन पॉइंट नोट करवाए थे ना इंपॉर्टेंट, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सबसे पहली चीज। तीसरा पॉइंट याद करो, जीरो लेवल के सामने जो भी टीसी होगा वो क्या होगा, टीएफसी, और टीएफसी हर जगह क्या होगा, सेम होगा। पहली चीज बच्चा समझ में आ गई, हाँ पहली चीज समझ में आ गई, मैंने कहा ना तीन पॉइंट याद कर लो, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा एक पॉइंट और याद दिलाता हूं आपको, ये बताओ आउटपुट जीरो से स्टार्ट है या वन से स्टार्ट है। भैया आउटपुट तो जीरो से स्टार्ट है, जब भी आउटपुट जीरो से स्टार्ट होगा चेंज इन टीसी इज एमसी, तो इस बार आपका मार्जिनल कॉस्ट किससे निकलेगा, टोटल कॉस्ट से, अभी निकालता हूं, ठीक है। चलो पहले एक काम करो, सारी चीजें निकाल लो, तो अभी एएफसी पर आ जाओ, एएफसी कैसे निकलता है, टीएफसी अपॉन क्यू, टीएफसी गिवन है, क्यू गिवन है, 60 को जीरो से डिवाइड करोगे डैश, 60 को 1 से डिवाइड करोगे 60, 60 को 2 से करोगे 30, 60 को 3 से करोगे 20, 60 को 4 से करोगे 4 1 जा 4 5 जा 20, ओके 60 को 5 से करोगे 12, 60 को 6 से करोगे 10, एएफसी आ गया भाई, टीवी से निकाल लो। अब आपको कहोगे सर टीवी से कैसे निकाले, बच्चा टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी, यही होता है ना, तो आपको टीवीसी निकालना है, टीसी गिवन है, टीएफसी गिवन है, तो टीसी में से टीएफसी माइनस कर दोगे तो टीवीसी आ जाएगी, कोई दिक्कत है ना। चलो एक काम करो, टीसी में से टीएफसी माइनस कर दो, 60 में से 60 माइनस करोगे जीरो, 80 में से 60 माइनस करोगे 20, 100 में से 60 माइनस करोगे 40, 111 में से 60 माइनस करोगे 50, 51, है ना, कहीं प्लस माइनस में गलती हो तो भाई बताना कमेंट बॉक्स में, 116 में से 60 माइनस करोगे, तो भाई कैलकुलेटर उठा लेना चाहिए, ठीक है, वरना बच्चे कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी बातें कहते हैं फिर गलतियां होती है, तो 56, उसके बाद 130 में से 60 माइनस करोगे आई थिंक सो 70, ठीक है चलो हाँ भाई 70, और 150 में से 60 माइनस करोगे तो 50, 40, 90, ये लो बच्चा टीवीसी आ गया, टीवीसी आ गया तो एवीसी आ गया, एवीसी बोले तो टीवीसी अपॉन क्यू, तो देखो टीवीसी अपॉन क्यू, पहला तो डैश होगा 0/0, 20/1, 20/1, 20, 40/2, 40/2 बच्चा अगेन 20, 51/3, 51/3, 3/1 जा 3, 3/7 जा 21, 56/4, तो 4/1 जा 4, 4/4 जा 16, 70/5, डिवाइड करोगे 5/1 जा 5, 5/4 जा 20, 90/6, तो 6/1 जा 6 और 6/5 जा 30, क्या आ गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट, किससे निकलेगा, चेंज इन टीसी इज एमसी, क्यों, क्योंकि आउटपुट जीरो से स्टार्ट है, देखो सो पहला 60 का 60 नहीं, पहला 60 के ऊपर कुछ नहीं है, तो पहला डैश लगाया करो हमेशा, ठीक है, 80 में से 60 माइनस करोगे
20, देख लो बच्चा निकालना सीख लो, 80 में 60 माइनस करोगे 20, 100 में से 80 माइनस करोगे अगेन 20, देन 111 में से 10 माइनस करोगे, 111 में से 100 माइनस करोगे 11, देन 116 में से 111 माइनस करोगे ये आपका 5, देन 130 में से 116 माइनस करोगे ये आपका 14, और 150 में से 130 माइनस करोगे तो ये आपका 20। ठीक है, देख लो भाई पहला न्यूमेरिकल था, बहुत कुछ निकालना था, ठीक है, देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो मुझे बता सकते हो। और हाँ, अब एक बार वापस से आपसे कहूंगा कि ये तीन बातें अभी भी कह रहा हूं वक्त है, ये तीन बातें नहीं समझ में आई हो तो रट लो, लिख लो, क्योंकि इनके बिना न्यूमेरिकल गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, जीरो के सामने टीसी होता है, वो आपका टीएफसी होता है, वो सेम होता है, बस दो बातें आपकी ये है कि आउटपुट जीरो से स्टार्ट है या आउटपुट वन से स्टार्ट है। जीरो से स्टार्ट होगा तो टीसी में चेंज आपका एमसी होगा, वन से स्टार्ट होगा तो टीवीसी में चेंज आपका एमसी होगा। चलो और देखो बच्चा, और क्वेश्चन देखो, ये लो अभी देखो जरा क्या है, अभी देखो क्या है, आउटपुट गिवन है आपको, ठीक है, टीसी गिवन है, AFC निकालना है, AVC निकालना है। बच्चा AFC AVC निकाल तो दे, बट AFC के लिए TFC चाहिए, AVC के लिए TVC चाहिए, तो निकालना तो हमें सब कुछ ही पड़ेगा, है ना। चलो हम लोग और कॉलम बना लेंगे, सबसे पहले देखो आउटपुट कहां से स्टार्ट है, जीरो से, जीरो के सामने जो TC होगा वो क्या होगा, TFC, ठीक है, जीरो के सामने जो TC 60 है वो TFC है, तो 60, 60, 60, 60, 60 और बच्चे 60, ठीक है, TFC आ गया। एक काम करो TVC भी निकालो, TVC कैसे निकालेंगे एक बार वापस से बताता हूं, TC is equals to TFC plus TVC होता है, अगर TC में से TFC माइनस कर दो तो TVC आ जाता है, ठीक है, तो TC में से TFC माइनस कर दो, TC गिवन था, TFC माइनस कर दो, 60 में से 60 माइनस करोगे 0, 78 में से 60 माइनस करोगे 18, देन 90 में से 60 माइनस करोगे 30, 102 में से 60 माइनस करोगे 42, 112 में से 60 माइनस करोगे तो ये आपका 52, देन 120 में से 60 माइनस करोगे 60, और 126 में से 60 माइनस करोगे तो 66। अब बच्चा लोग मुझे एक बात बताओ यार, TFC आ गया, TVC आ गया, तो क्या AFC और AVC नहीं निकल पाएगा, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। AFC कैसे निकलता है, TFC upon Q, AVC कैसे निकलता है, TVC upon Q, एक को ही निकाल देता हूं, एक आप निकाल लेना, ठीक है, चलो मैं ये निकालता हूं, AFC, तो 60 upon 0, पहला डेस, ठीक है, 60 upon 1, 60, 60 upon 2, 60 upon 2 बोले तो 30, 60 upon 3 बोले तो 20, 60 upon 4 बोले तो 15, 60 upon 5, 12, 5 is 60, 60 upon 6 बोले तो 10, बाकी यार ऐसे ही इनको डिवाइड करना क्वांटिटी से तो आपका आ जाएगा एबीसी। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, और बढ़ेंगे अभी हम लोग आगे। अच्छा एक बात और बताओ बच्चा, इसी क्वेश्चन में अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना होता, सेम क्वेश्चन में अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना होता, किससे निकालते, टीसी से या टीवीसी से, तो आप कहोगे सर आउटपुट कहां से स्टार्ट है, आउटपुट है जीरो से स्टार्ट, जब आउटपुट जीरो से स्टार्ट होगा चेंज इन टीसी इस एमसी, तो चलो भाई आगे बढ़ दो, अभी आप निकाल लोगे टीसी से निकलेगा एमसी। चलो तो छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, सबसे पहले देखो आउटपुट कहां से स्टार्ट है, वन से, मुसीबत, अभी तक दो क्वेश्चन किए आउटपुट जीरो से स्टार्ट हो रहा था, अभी वन है, आउटपुट आउटपुट वन से स्टार्ट होता है तो चेंज इन टीवीसी, ध्यान रखोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज आता है वो मार्जिनल कॉस्ट आता है। ठीक है, अभी गिवन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, तो क्या आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल पाओगे, तो ये बिल्कुल निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन। अगर टीवीसी से, टीवीसी से हमें निकालना हो, टीवीसी निकालना हो तो इक्वल्स टू सिग्मा एमसी, ठीक है, निकालना क्या है टीवीसी, तो एक काम करो पहला 20 का 20, देन 20 प्लस 16, 20 प्लस 16, 36, 36 प्लस 12, 48, ये लो भाई टीवीसी आ गया। ठीक है, प्लस करते जाओगे अगर आप लोग मार्जिनल कॉस्ट को तो आपका टीवीसी आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों आया, क्योंकि आउटपुट 1 से स्टार्ट था, 0 से स्टार्ट होता तो बच्चा चेंज इन टोटल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, यहां पर 1 से था तो टीवीसी, अब देखो एक काम करते हैं यार,
पीवीसी में चेंज देखो, मार्जिनल कॉस्ट आएगा 20 का 20, 36 माइनस 20 16, 48 माइनस 36 12, क्लियर है ना। चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई। अगेन आउटपुट कहां से स्टार्ट है, 1 से। आउटपुट कहां से स्टार्ट है, 1 से, तो फिर वही कहानी है। चेंज इन टीवीसी इज एमसी, चेंज इन टीवीसी इज एमसी। तो मार्जिनल कॉस्ट अगर गिवन है तो बच्चा लोग टीवीसी निकाल लो। पहला 6 का 6, 6 प्लस 5 6 और 5 11, 11 और 4 11 और 4 15, 15 और 6 21। ये लो भाई टीवीसी आ गया, निकालना क्या था टीसी। अभी टीसी के लिए क्या कर सकते हैं, टीएफसी प्लस टीवीसी, क्योंकि हमें टीएफसी गिवन है, ठीक है। टीवीसी हम निकाल चुके हैं, प्लस करते जाओ 10 और 6 16, 10 और 11 21, और ये आपका 25 और ये आपका 31, ठीक है। देख लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है जल्दी करोगे आप लोग, ठीक है। देन बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत कुछ निकालना है। कहां से स्टार्ट है भाई आउटपुट, जीरो से, जीरो से स्टार्ट है, टीसी दे रखा है। जीरो के सामने जो टीसी होता है वो टीएफसी, पहली चीज तो 80 है तो हर जगह 80, ठीक है, 80 है तो हर जगह 80 बच्चा, पहली चीज। अब देखो यार, मैं कहूंगा कि भैया रिपीटेड क्वेश्चन हो गया एक प्रकार से, है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं। एक काम करो, टीसी में से टीएफसी माइनस कर दो, क्या आ जाएगा टीवीसी। टीसी में से टीएफसी माइनस करो, टीवीसी आ जाएगा। 80 में से 80 माइनस करो, जीरो, ये आपका 22, है ना, ये आपका 42, माइनस करते जाओ, ये 140 में से ये माइनस करोगे 60, और ये माइनस करोगे आप 8 तो 56 ये, और 20 और तो 66, 76 आई थिंक, है ना, कहीं प्लस माइनस में दिक्कत हो तो मेरे को बताना, ठीक है। अभी एक बात बताओ, टीसी हो गया, टीएफसी हो गया, टीवीसी हो गया, क्या एएफसी निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा, टीएफसी अपॉन क्यू। क्या एवीसी निकल जाएगा, टीवीसी अपॉन क्यू। क्या मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा, ये बताओ मेरे को, मार्जिनल कॉस्ट मेन कहानी इसी की है। अब आप कहोगे सर मार्जिनल कॉस्ट के लिए तो दो कंडीशन थी, जीरो से आउटपुट स्टार्ट हो रहा है तो चेंज इन टीसी इज एमसी, आउटपुट 1 से स्टार्ट हो रहा है तो चेंज इन टीवीसी इज एमसी। तो आउटपुट कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चा, आउटपुट स्टार्ट हो रहा है जीरो से, तो चेंज इन टीसी इज एमसी। तो पहला डैश आता है हमेशा, दूसरा 102 में से 80 माइनस करो, 102 में से 80 माइनस करोगे 22, 122 में से 102 माइनस करोगे 20, 140 में से 122 माइनस करोगे 18, और 156 में से माइनस करोगे तो आपका 16। मुझे बताना यार कमेंट बॉक्स में, कहीं कोई भी डाउट, कहीं कोई भी दिक्कत आ रही हो तो जरूर बताना। ये लो भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो, ठीक है, बाकी ये दो चीज तो मेरे ख्याल से आप आसानी से निकालोगे, ओके। चलो बढ़ो भाई, आगे बढ़ते चलो, काफी सारे क्वेश्चन है। चलो भाई आ जाओ, आउटपुट कहां से स्टार्ट है, 1 से। आउटपुट 1 से स्टार्ट होगा, चेंज इन टीवीसी। आउटपुट 1 से स्टार्ट होगा, चेंज इन टीवीसी इज एमसी। तो एमसी दे रखा है तो टीवीसी निकाल लो भैया, प्लस करते जाओ 40 का 40, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 35 105, 105 प्लस 39 प्लस 144 आएगा आई थिंक, है ना। चलो भाई बचा क्या, एवीसी निकाल लोगे मुझे पूरा विश्वास है, टीवीसी अपॉन क्यू कर दो। सो टीवीसी अपॉन क्यू कर दो भाई, 40 को 1 से डिवाइड करोगे 40, 70 को 2 से डिवाइड करोगे 35, 105 को 3 से करोगे 33 जा 9, 35 जा 15, 144 को 4 से करोगे तो ये आपका आएगा 36। ये लो भाई छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आसान आसान से क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा काम। चलो आगे आओ, अगेन यार अभी देखो क्या दे रखा है, आउटपुट है टीसी दे रखा है, ठीक है। अभी आउटपुट 1 से स्टार्ट है तो हम चेंज इन टीसी इज एमसी, तो चेंज इन टीसी इज एमसी हम ले सकते हैं, बट बच्चा इस क्वेश्चन में यार कुछ ना कुछ जरूर गिवन होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर गिवन होगा। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि आधा अधूरा है, मैं एक बार आप सभी लोगों के सामने एक बार चेक भी कर देता हूं, कौन सा है भाई, पहले 1 के सामने 20, 1 के सामने 20, 1 के सामने 20, बिल्कुल बच्चा यहां पर आपको एएफसी गिवन था जो कि लिखना भूल गए, एएफसी यहां पर आपको गिवन है 632, एएफसी 632, ये लो क्वेश्चन में गिवन था बच्चा, ओके। चलो तो एक काम करते हैं, अभी देखो एएफसी मिल गया तो टीएफसी निकाल सकते हैं, एएफसी इनटू क्यू,
ये लो भाई टीएफसी निकालो, 6 × 1 6, 3 × 2 6 और 3 × 2 6 टीएफसी मिल गया। टीसी है, टीएफसी है, क्या आप टीवीसी नहीं निकाल सकते हो? सो टीसी में से टीएफसी माइनस करो, टीवीसी आ जाएगा। 20 में से 6 माइनस करो, 20 में 6 माइनस करोगे 14, 26 में से 6 माइनस करो 20, 39 में से 6 माइनस करोगे 33। अब चाहिए क्या भैया? एएफसी मिल, एएफसी गिवन था, एबीसी, एबीसी चाहिए, टीवीसी को क्यू से डिवाइड कर दो, 14 को 1 से डिवाइड करोगे 14, 20 को 2 से करोगे 10, 33 को 3 से करोगे 11। अब बचा क्या? बचा है भैया सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट। क्या मार्जिनल कॉस्ट नहीं निकाल पाओगे? देखो जरा आउटपुट कहां से स्टार्ट है, 1 से। आउटपुट अगर 1 से स्टार्ट है तो चेंज इन टीवीसी, चेंज इन टीवीसी इज एमसी, ध्यान रखो बच्चा। आउटपुट 1 से स्टार्ट है, चेंज इन टीवीसी इज एमसी, पहला डैश आता है क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है। 20 माइनस 14 करोगे, 20 माइनस 14 6, 33 माइनस 20 करोगे तो ये आपका 13। हो गया बच्चा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब मुझे बताओ क्लियर और नॉट क्लियर, ठीक है? कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो बच्चा लोग मुझे जरूर जरूर बताओगे। चलो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। तो अभी भाई थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन दे रखा है, शायद लास्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है? देखो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, आपको फिलअप्स करने। सबसे पहले यार अगर आप आउटपुट देखो, सबसे पहले अगर आप आउटपुट देखो तो 1 2 3 4 हम चाहे तो लिख सकते हैं, बट यार फिल इन द ब्लैंक्स है तो बिना किसी लॉजिक के नहीं लिखेंगे, बिना किसी फॉर्मूले पुट किए हुए हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। चलो एक काम करते हैं, बाकी जो चीज गिवन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक काम करो, मेरी बात मानो तो टीवीसी निकाल लो। कहोगे सर कैसे निकलेगा टीवीसी? बच्चा कुछ एवीसी गिवन है हमें, देखो 16, तो ये बात हमने पढ़ा है, एवीसी इंटू क्यू इक्वल्स टू टीवीसी, ठीक है? 16 × यहां पर गिवन नहीं है, अगेन मुसीबत, यहां पर गिवन नहीं है। अगर हम यहां पर 1 2 3 4 मान ले तो हम निकाल सकते हैं, बट नहीं भाई हम ऐसे नहीं निकालेंगे। एक काम करो, आउटपुट कहां से स्टार्ट है, यहां देखो आउटपुट कहां से स्टार्ट है, 1 से। जब भी आउटपुट 1 से स्टार्ट होता है, चेंज इन टीवीसी इज एमसी, चेंज इन टीवीसी इज एमसी। तो यहां देखो टीवीसी पहला 20 है, एक काम करो यहां 20 का 20 ले सकते हो, या फिर यहां पर आप डैश लगा सकते हो, या तो डैश या फिर 20, चलो कोई दिक्कत नहीं है। टीवीसी तो एमसी को प्लस करोगे तो टीवीसी आएगा, 20 + 12 20 + 12 32, ठीक है टीवीसी आ गया। अब देखो एमसी कैसे निकलता है, माइनस करके, माइनस बोले तो 54 - 32, बच्चा 54 - 32 तो ये आ जाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट, 54 - 32 तो ये 22, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट आपको मार्जिनल कॉस्ट गिवन है तो आप प्लस करके टीवीसी निकाल सकते हो, तो 54 + 26 करोगे तो 60 नहीं 80, ठीक है? ये लो टीवीसी आ गया, एवीसी निकाल सकते हो, ठीक है? टीवीसी आ गया, एवीसी निकाल सकते हो, वो भी देखो हम लॉजिक के साथ निकालेंगे। टीवीसी अपॉन क्यू इक्वल्स टू एवीसी आता है, ठीक है? यहां पर ये कह सकता हूं क्या, टीवीसी अपॉन एवीसी इक्वल्स टू क्यू भी हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है? यहां पर अगर आप देखोगे, ये देखो ये वाली, यहां पर देखो जरा, आपको आउटपुट गिवन नहीं है, इसे भी हम लोग लॉजिक के साथ निकालेंगे और आप लोग वर्किंग नोट में लिखोगे। कैसे लिखोगे? टीवीसी 32 अपॉन एवीसी 16, कितना आता है 2, ये देखो ये है आउटपुट। आप चाहते तो 1 2 3 4 ऐसे ही लिख देते, लेकिन नहीं बच्चा हम क्यों लिखे ऐसे, ऐसे ही देखो यहां पर 80 / 20 करोगे तब आपका 4 आता है, तब आपकी आउटपुट वाली लाइन कंप्लीट होती है। अब बच्चा बचा एवीसी, तो एवीसी में कुछ नहीं है यार, 20 को 1 से डिवाइड करोगे 20, 54 को 3 से डिवाइड करोगे 3 × 3 = 24, ठीक है? सो ये था आपका अंतिम क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तो खैर मुझे जरूर बताओगे। बाकी बच्चा लोग आज की क्लास अटेंड करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद, मिलता हूं बहुत ही जल्द अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू के साथ में, ठीक है? आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद।